अगर आपने अब तक विनर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मिलते रहे आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। फ्रेंड, हम आधुनिक भारत देख रहे हैं और इसमें हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमने लॉर्ड हार्डिंग तक वीडियो बना चुके हैं। आज उसके आगे वाले गवर्नर जनरल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी गवर्नर जनरल की क्रम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर परीक्षा में इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, 1774 से 1785 तक, 85 से 86 तक सर जॉन मैकफर्सन थे, 86 से 93 तक कॉर्नवॉलिस थे, 1793 से 1798 तक सर जॉन शोर थे, 1798 से 1805 तक सर वैली जेली थे, 1805 से 1807 तक सर जॉर्ज बार्लो थे, 1807 से 13 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग थे, 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमस्टे, 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिंक थे। बाद में विलियम बेंटिंक के समय ही बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल ये पद आता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है और उसी से इनका ये पद का नाम चेंज हो जाता है। फिर 1835 से 1836 तक भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ थे, 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड थे, 1842 से 1844 तक एडिनबरो थे, 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग थे। यहाँ तक हमने देख लिया है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856, कालखंड याद ही रखिए, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या कार्य किया तो ये देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेजी शासन का बहुत सारा विस्तार हुआ था, क्योंकि इनकी जो नीति थी व्यापगत की नीति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ये नीति के अंदर क्या था, इसमें जो भी शासक थे, जो भी राजा महाराजा थे, उन्हें अगर संतान नहीं होती थी तो वो गोद लेते थे। तो लेकिन उन डलहौजी के अनुसार क्या हुआ कि ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम गोद लेते हैं तो फिर उसे वो राज्य नहीं मिलेगा, उसे फिर अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाएगा। ये था व्यापगत का सिद्धांत। इसे गोद प्रथा का अंत भी कहा जाता है। तो व्यापगत का सिद्धांत आए या गोद प्रथा का अंत आए, एक ही बात है। तो इसके लिए व्यापगत सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था या कब शुरू किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लॉर्ड डलहौजी आपको याद ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सिद्धांत सबसे पहले किस राज्य पे लागू किया गया। तो 1848 में सातारा पे ये लागू किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जेतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, साथ ही 1856 में अवध को। तो ये सब है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला, सबसे पहला कौन सा राज्य था, तो सातारा था, वो याद रखना है। उसके अलावा झांसी को याद रखना है आपको, क्योंकि 1853 को झांसी हुआ था। और उसके बाद अवध को रखना है आपको 1856 में। तो जब अवध को इसे राज्य, अंग्रेजी राज्य में मिलाया था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि 1856 को उन्हें, यानी कि शासन कुशासन हो रहा है, यानी कि शासन करने के लिए अयोग्य हो, ये आरोप लगा के उस राज्य को मिला लिया जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी व्यापगत वाला सिद्धांत नहीं था, लेकिन इसे भी, इस राज्य को भी वो अपने अंडर कर लेते हैं, और उस समय वाजिद अली शाह नवाब थे। तो आपको ये तीनों याद रखना है। के अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय कौन कौन से युद्ध हुए, तो दो युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध। पहला वाला आंग्लो सिख युद्ध जो था लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। और दूसरा वाला युद्ध जो है ये आंग्लो सिख युद्ध, ये 1848 से 1849, ठीक है, एक साल तक रहेगा। और इसी युद्ध के साथ
सिख राज्य को भी ये अंग्रेज शासन में मिला लेते हैं। साथ ही जो महाराजा रंजीत सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह प्राप्त करते हैं, वो हीरे को भी ये महारानी विक्टोरिया को भेज देते हैं। तो ये भी याद रखना है कि कोहिनूर हीरा सिखों से प्राप्त करके इन लोग महारानी विक्टोरिया को भेज देते हैं। और दूसरा युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो आपको ये भी याद रखना है। पहला दो युद्ध हुए हैं, पहला है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इसमें लोअर बर्मा और पिगू ये दोनों राज्यों को भी ये अपने राज्य में मिला लेते हैं, साथ ही ये सिक्किम को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन से राज्य को मिला रहे हैं, सिक्किम सबसे पहले तो वो सिख राज्य को मिला लिए, बर्मा को भी मिला लिए, सिक्किम को भी मिला लिए। तो ये डलहौजी जो है बहुत ही विस्तारवादी है और बहुत ज़्यादा विस्तार करता है, तो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। उसके अलावा व्यापकर का जो भी सिद्धांत है उसके द्वारा भी इसने बहुत सारे राज्यों को अपने इसमें विलय करा था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1853 को इन्हीं के समय चार्टर एक्ट आया था, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1853 का चार्टर एक्ट किसके समय आया था। इसके पहले वाला एक्ट देखे थे हमने 1833 को आया था, हर 20 साल में ये एक्ट आता है, तो 1833 वाला एक्ट किसके समय आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय आया था, और उसी एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और ये 1853 एक्ट आ रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, तो कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों का एक विधि मंडल बनाया गया था इस एक्ट के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल बम्बई से ठाणे चली थी। बम्बई में भी कहाँ से, तो बोरी बंदर से, और ये जो टोटल अंतर था वो था 34 किलोमीटर का। और इस रेल में 3 इंजन यूज़ किए गए थे जिसका नाम था सिंध, साहिब और सुल्तान, ठीक है। और जब ये चली थी तब इसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी रेल को। और 1853 में ही पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू की गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। फिर एक साल के बाद 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, और उसके तहत डाक टिकट का प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा वुड डिस्पैच लागू किया गया था 1854 में। ये वुड डिस्पैच क्या है, तो ये एक आयोग है, एक पत्र था जिसके अध्यक्ष जो थे वो सर वुड थे, तो उन्हीं के नाम पे ये है वुड डिस्पैच। ये जो है किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के अंदर बहुत सारे सुधार किए गए थे इस अधिनियम के द्वारा। तो क्या क्या, तो सबसे पहले एंग्लो वर्ना स्कूल की सभी जिलों में स्थापना की गई थी, साथ ही नगरों में सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई थी, और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की इसी वुड डिस्पैच के द्वारा लागू किया गया था, बनाए गए थे विश्वविद्यालय। तो इसके अलावा क्या किया गया था, तो भाषाओं पे बहुत महत्व दिया गया था, तो जैसे कि फारसी, उर्दू, ये सभी भाषाओं में शिक्षा दी जाएंगी ऐसा कहा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये वुड डिस्पैच के बारे में इतना डिटेल में नहीं आएगा, सिर्फ ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। कब आया था, तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा 1856 में तोपखाने का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता से हटाकर मेरठ में बदल दिया गया, तो आपको ये भी याद रखना है कलकत्ता से मेरठ तोपखाने का मुख्यालय किसके समय हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और उन्होंने सेना का मुख्यालय शिमला को बनाया, शिमला को उन्होंने और एक चीज़ बनाया, शिमला को उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई थी, तो ये भी याद रखना है। क्या क्या किया, तो 1856 में उन्होंने कलकत्ता से मेरठ में तोपखाने का मुख्यालय कर दिया और शिमला को सेना का मुख्यालय बना दिया, साथ ही शिमला को उन्होंने ग्रीष्मकाल की राजधानी बना दी थी। इसके अलावा कुछ विभाग कुछ की स्थापना की थी, जैसे कि 1852 में उन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना की थी, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनाम कमीशन कब बनाया गया था या कौन से गवर्नर जनरल के समय बनाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। 1852 इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ये भूमि से संबंधित है इनाम कमीशन,
ठीक है। उसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसमें बहुत सारे कार्य किए गए थे, जैसे सड़कों का फिर से मरम्मत की गई थी, जिसके अंदर ग्रैंड ट्रक रोड की भी मरम्मत करवाई गई थी, फिर से नहरों का निर्माण किया गया था, बंदरगाहों को बनाया गया था, ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए थे। तो आपको याद रखना है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किन के समय हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। साथ ही लोक सेवा विभाग की भी स्थापना हुई थी। क्या क्या हुआ था, इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, वो भूमि से संबंधित था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। ऐसे बहुत सारे जो विभाग है इनके समय शुरू किए गए थे, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जो राजाएं थे, जो रियासतें थी, उनकी जो पदवी रहती है, जो उपाधियां मिलती है, उन्हें बंद कर दिया था। साथ ही पेंशन देने की पद्धति बंद कर दी गई थी, जैसे कि नाना साहेब पेशवा जो थे उनकी पेंशन बंद कर दी थी, ऐसे बहुत सारे की थी। तो आपको ये भी याद रखना है, इन्होंने जो पदवी उपाधि है, पेंशन है, वो सब बंद करवा दी थी। इसके अलावा इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कायदा को रखा था, पारित नहीं हुआ था इनके समय, सिर्फ इन्होंने रखा था विधवा पुनर्विवाह कायदा। तो इस तरीके से ये थे लॉर्ड डलहौजी। इनका कालखंड था 1848 से 56। एक बार शॉर्ट में इनके बारे में बता देती हूँ, इनके युद्ध याद रखना है, दो युद्ध हुए थे और दोनों भी दूसरे नंबर के थे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये याद रखना है। इसके अलावा व्यापगत सिद्धांत इनका याद रखना है, डलहौजी के समय हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें भी है कि पहला कौन था जो राज्य जिसने ये सिद्धांत को अपनाया था, तो वो था सतारा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है और किन के समय आया था, और साथ ही भारतीय रेलवे के जनक थे, तो रेल के बारे में आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। सार्वजनिक विभाग, लोक सेवा विभाग, इनाम कमीशन की स्थापना इन्होंने की थी, साथ ही पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी इन्हीं के समय ली गई थी। तो ऐसे कुछ कार्य थे जो आपको इनके बारे में याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो इनका कालखंड है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे वो देखते हैं। सबसे पहले तो 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत किया गया था। तो ये विधवा यानी फिर से विधवाओं का फिर से शादी की जाएंगी, ऐसा अधिनियम था। और ये अधिनियम किस भारतीय के सहयोग से किया गया था, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से किया गया था। आपको ये भी याद रखना है, जैसे सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय की मदद से शुरू किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में, वैसे ही आपको ये याद रखना है 1856 विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन भारतीय कौन थे, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके साथ ही 1856 में हाईकोर्ट एक्ट भी पारित हुआ इन्हीं के समय, और मुंबई कलकत्ता मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1856 में की गई। इसके बाद 1857 आता है, और 1857 आप सभी को पता है कि 1857 की महान क्रांति हुई थी, जो कि इन्हीं के समय हुई थी। तो ये जो महान क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम भी जैसे कहते हैं, तो ये कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1857 का जो महान क्रांति थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुई थी, और इसी क्रांति के बाद यानी ये बात जो थी क्रांति की, ये वहाँ यूरोप तक जाती है, और वो भारत सरकार एक अधिनियम पारित करते हैं और वो भेजते हैं, उसके द्वारा कुछ बदलाव होते हैं। तो वो क्या क्या, तो सबसे पहले अब यहाँ से भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका अब अंत हो गया, और भारत जो है अब यहाँ से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चले गया। तो आपका सबसे पहला 1857 का जो भारत विषयक कायदा है, कानून है, वो उसके बारे में क्या था, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में अब सभी अधिकार आ गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का
अस्तित्व खत्म हो चुका है। साथ ही अब यहाँ पे एक नया पद शुरू किया गया है, वो है भारत मंत्री। तो आपको ये भी याद रखना है, भारत मंत्री का पद कब से शुरू हुआ, तो 1858 से हुआ। और पहले भारत मंत्री कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनले, ये भारत के पहले भारत मंत्री थे। इसके अलावा अब जो गवर्नर जनरल का नाम यहाँ से चेंज कर दिया गया, और अब वाइसराय इन्हें कहा जाएगा। तो वाइसराय ये पद कब से शुरू किया गया, तो 1858 से। तो आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वाइसराय थे और आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो आपको ये भी याद रखना है क्यों थे, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, 1858 का भारत के संबंध में कानून आया, भारत शासन अधिनियम जिसे कहते हैं, और उसी के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अब भारत पे हो गया। अब यहाँ से वाइसराय ये प्रणाली शुरू हो गई, गवर्नर जनरल ये खत्म हो गया, अब वाइसराय शुरू हो गया, यानी नाम चेंज कर दिया गया। जैसे हमने शुरू से देखा कि पद व्यक्ति वही रहेगा, बस नाम चेंज कर दिया जाएगा और कुछ कामों में चेंज ला दिया जाएगा। तो पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, आपको यहाँ तक अच्छे से याद ही रखना है। इसके अलावा 1858 के इस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट का जो पद था वो भी खत्म कर दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मुगल, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए गए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो 1858 में आपराधिक कृति पे एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया कि दंड संहिता, 1858 का दंड संहिता ये कानून, तो ये अपराधियों के लिए था और ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड मैकाले, जैसे हमें पता ही था कि ये विलियम बेंटिंक के समय विधि सदस्य बनाए गए थे और इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए ये भी प्रस्तुत किया था इसके पहले। तो दंड संहिता का अधिनियम भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा जो व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया गया था, अब वो खत्म कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये व्यापगत का सिद्धांत किसने शुरू किया गया था और किसने खत्म किया, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है, शुरू लॉर्ड डलहौजी ने किए थे और ख़त्म उन्हीं के बाद जो गवर्नर जनरल यानी अभी वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने किए, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद 1861 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें एक दो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले अब यहाँ से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। साथ ही आपातकाल जब घोषित होता है यानी युद्ध वगैरह का जो काल रहेगा उस समय, ऐसा कहा गया था कि जब आपातकाल का समय रहेगा तो वाइसराय के और अधिकार बढ़ा दिए जाएंगे, वो जो है वट हुकुम, जो राष्ट्रपति शासन वो जैसा रहता है अभी वह उससे वैसा उस समय भी लागू करने के कुछ अधिकार दिए गए थे वाइसराय को। साथ ही गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में पहले 4 सदस्य थे, अब 5वां सदस्य बढ़ा दिया गया, और ये सदस्य कौन रहेगा, तो वो रहेगा न्यायाधीश, जैसे हमने पहले देखे थे। इसके पहले जो 1833 का एक्ट आया था उसमें 4 सदस्य लाए गए थे, तो चौथा सदस्य था विधि सदस्य, वैसा अब इसमें 5वां सदस्य लाया गया और वो 5वां सदस्य रहेगा न्यायाधीश। तो ये था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद एक्ट भी जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये थे लॉर्ड कैनिंग, तो इनके बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। कालखंड तो आपको सभी के याद रखना है, 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग थे, सबसे इम्पॉर्टेंट था इनके इस समय। 1857 की महान क्रांति जो हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी और उसी के कारण 1858 का एक्ट आता है और गवर्नर जनरल का जो पद है, नाम है, वो चेंज हो के अब वाइसराय होता है। तो ये पहले वाइसराय है, आपको ये याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे और आखिरी भारत के गवर्नर जनरल थे, तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय हुआ था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण ये है कि एक तो 1857 की क्रांति और दूसरा है 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून, क्योंकि ये दोनों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा है कि व्यापगत सिद्धांत इनके समय खत्म हुआ था। तो ये तीन चीज़ आप याद रख लीजिए। इनके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन।
तो लॉर्ड एल्गिन का कालखंड है 1862 से 1863, थोड़े ही समय का कालखंड है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है 1863 में, और इनके समय ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आपको इनके सिर्फ कालखंड याद रखिए, बाकी कुछ भी इनके बारे में नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक वहाबी आंदोलन का दमन किया था, तो वहाबी आंदोलन ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, और इसके यहाँ तक हम आज देखेंगे। इसके बाद वाले जो भी वायसराय है वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।